दोनों, तो अंश व हर में, अंश व हर में का एक भाग जो कोस कर देगा, कोस थीटा का भाग जो होगा। देखो ई का बटा में भी इधर लिख लियो, तो साइन थीटा हो गया माइनस कोस थीटा कोस थीटा प्लस एक बटा क्या लगाओगे कोस थीटा, कोस सबके थीटा बटे में है ये कोस थीटा बड़ा बड़ा बटा बटा आ गया। चलो साइन साइन थीटा थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एक माइनस एक बटा कोस थीटा। बटा कोस थीटा आ गया। अब सभी इसमें लगाओ, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा टेन थीटा आ गया। ना ये जमीन में है ना बताओ, इसके नीचे भी है ये बताओ। को थीटा कोस में कोस का भाग दोगे क्या आएगा, एक्स में एक्स को भाग दोगे ना, याद है ये का वजन, तो कोस को भाग दिया तो माइनस का एक आ जाएगा। अब बताओ एक बटा कोस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन साइन तो कोसेक का उल्टा है, साइन का उल्टा क्या होता है, होता नहीं साइन का उल्टा क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब। हाँ, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है, तो एक बटा कोस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा, और ये बटा बटा देखो इसका इस्तेमाल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा हो गया क्या, प्लस है बताओ एक बताओ माइनस सेक थीटा हो जाएगा। चलाओ इसे एक को इधर ले लो, तो ये टेन थीटा हो गया प्लस सेक थीटा हो गया माइनस एक हो गया क्या, इसको कैसे ले लो, इसको ऐसे कैसे ले लो, टेन थीटा हो गया प्लस एक हो गया माइनस साइन थीटा हो गया। चलो अब इस एक को इसी में तोड़ो, एक में लहर हमेशा याद रखना, एक प्लस टेन को स्क्वायर थीटा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, आ गई। अब एक के बराबर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू वन, तो ई एक नट आ रही है दोनों की को, ये समझ में है, तो ये टेन थीटा हो गया प्लस साइन थीटा हो गया, ये माइनस का चिन्ह अब बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखो, क्या लिखोगे इसको, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट और बता क्या किया है, जो समझ में आ गया क्या, ये टेन थीटा हो गया प्लस एक आ गया माइनस साइन थीटा हो गया। आप देखो इन दोनों में ये दो है, इनमें पहले इसको तोड़ दो ऐसे करो, ये टेन थीटा हो गया प्लस ये साइन थीटा हो गया माइनस ब्रैकेट में ही एक जगह इसका गुणनखंड क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड बताओ, ए माइनस बी, अरे भाई ए प्लस बी प्लस माइनस में है, वो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तीन सूत्र है नहीं, कौन कौन से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़े हो आगे, तो इसके देखो करो इसके, तो साइन थीटा हो गया माइनस, पहले प्लस का लिख दो माइनस का लिख दो, टेन थीटा हो गया है, अरे ये एक ब्रैकेट में आ गया, अब इसको प्लस में लिख दो, साइन थीटा हो गया प्लस टेन थीटा हो गया क्या, चलो इसको ऐसे कैसे लिख लो, इसको आप कुछ मत लेना, टेन थीटा हो गया प्लस एक हो गया माइनस साइन थीटा हो गया। अब यहाँ को मत देखो, देखो ये गुणा में है, आइए अच्छी लो एक्स एक ब्रैकेट में और ये माइनस और एक्स वाई बताओ वो बन जाएगा, नहीं इसमें वो बन जाएगा, तो ई में नहीं आओ, ये प्लस है तो इसमें भी प्लस है, इसको ले लो अभी समझ में,
tan थीटा प्लस sec थीटा हो गया, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस में कैसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये माइनस का चिन्ह हो गया, ये भी कितना लो, चलो ये तो कट ही जाएगा, पहले पहले इसका भाग इसमें दो, एक आगे सेम संख्या वो सेम संख्या बाद में लगे अब इससे प्लस तो कट ही जाएगा, अब ये बचेगा माइनस का है हां सेम ही होगा, गलती हो गई, एक तो यो आओ देखो इसका इसमें भाग दिया ये तो अंडा का नहीं पाई नहीं, आप ले हो ये tan थीटा हो गया प्लस ये sec थीटा हो गया, आगे अब बात देखिए इसका इसमें दो एक आगे ये माइनस का चिन्ह लगा है, छोटा ब्रैकेट लगा लो प्लस से प्लस कट जाएगा ये बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा अगर तो नहीं है हैं, ये बेटा इसको ऐसे कैसे बॉक के काट दूंगा, ये tan थीटा आ गया प्लस एक आ गया प्लस sec थीटा हो गया, चलो ये हो गया, अब इसको एक बार हां लो ये बजी फ्रेंड लो माइनस का sec थीटा जाएगा, इसको खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया हां ये तो और ये आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा, अब या तो इसको अलग कर दो या फिर अब दिमाग में बोल लो दो भाई वहां पर आ गए तो तुम तो इसी को कर लेना, इसको तो खोलो देखो एक बार गुरु जी तभी tan थीटा आ गया प्लस ए माइनस एफ अब बताओ मिलाओ ये माइनस का बाहर बैठा है प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, अगर समझ में एक माइनस का sec थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा हो गया प्लस का और प्लस का ये तो ये ऊपर वाले को बोल रहा है ये आया था ये एक आ गया ये माइनस का sec थीटा है ये माइनस है माइनस प्लस हो गया प्लस का tan थीटा हो गया और ये नीचे से चल ही रहा था, अब मिलाओ ना एक प्लस को से एक प्लस और माइनस का मिल कटेगा, ये प्लस का है तो ये प्लस को से ठीक है कर लेंगे साइड कर लेंगे नहीं को तो समझे तो सब काट देना, हां जी ये tan थीटा प्लस का है tan थीटा प्लस का है ये sec थीटा माइनस का है ये sec थीटा माइनस का है इससे ये क्या आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा, आप इसको हल कर दो यार नहीं भी गुणा हो गया तो दिमाग में चल रहा था तो इन्हें हल कर दो, अब राइट हैंड साइड लिख दीजिए है राइट हैंड साइड बताओ एक बटा sec थीटा से sec थीटा में लिख सो अरे एक बटा cos थीटा लिख दिया sec कोई को ऑपोजिट है cos को sin को ऑपोजिट cos है tan को ऑपोजिट cot है एक बटा cos थीटा में माइनस का चिन्ह है tan थीटा कर सकता हूं sin थीटा अपोन cos थीटा आगे समझ में और यो एक आगे पहले नीचे नीचे का रूम तुम ले हो cos थीटा जाएगा हां देखो बाहर किस का cos cos थीटा एक आ जाएगा माइनस sin थीटा sin थीटा sin थीटा को हां sin थीटा एक cos से cos एक बार एक तो माइनस cos से cos sin थीटा अब बताओ cos कहां जाएगा ऊपर है हां नीचे है नहीं तो ये cos थीटा आ गया ऊपर और बटे में a sin थीटा sin थीटा अब ये उन लगा है तो tan थीटा प्लस sec थीटा sec थीटा प्लस sec थीटा हो अब थोड़ा दिमाग लगा ये क्या है जब ये तीन को हर का क्रोध है कोई संख्या का बटा में है अब आप सर पूछे एक आप बताओ हां एक आएगा तो इसका भी एक है एक हो गया अब इसको ये लिख दो अभी मैंने एक सूत्र बताया था एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
साइड स्क्वायर थीटा है तो एक बराबर में आओ साइड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुनः आओ अब इसको बदलो तो ये टेन थीटा हो गया प्लस साइड थीटा हो गया ये बताओ हो गया एक को क्या लिखूंगा मैं साइड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैं अब इसको तोड़ दूं वो नहीं समझ में एक जगह प्लस में लिख दो एक जगह माइनस माइनस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस टेन थीटा अब गुणा में है नहीं कैसे लिखे को टलो प्लस से प्लस कर देगा अब बताओ मैं कहीं होगा अरे वो ये तीन ये अंडे तीन ये चकाई आओ लूस कर ये बटा दो फिर अंडे कहीं को रुपए कट गो तो कहीं बचे लो ब्रेडी एक बटा सेकंड ये तो माने सेकंड लिख दो सर लिख दो इसका लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अब वो आ जाएगा और फिर इतनी सिद्धम यही सही है तरीका इसी को हल कर दो और वो ले आओ ये थोड़ा टेढ़ा ये यहाँ में दिमाग को बटा में ध्यान देख रहे तो नहीं समझ में तो ये दोनों कर सकते हो।